दोस्तों सुबह के करीब इस समय 8:20 हो रहे हैं। इस समय वाराणसी से 160 किलोमीटर पहले पन्नी नामक कोई स्थान पड़ता है, वहीं पे ओवरब्रिज जिसके नीचे ट्रक खड़ा करके भैया थोड़ा सो रहे हैं। रात भर बेचारे ट्रक चलाए हैं, रात भर कंटिन्यू। हम तो कभी का एक आग जब प्लेयर रहे थे बेचारे रात भर चलाएँ, तो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं यहीं पर। और बारिश भी हो रहा था तो सामान भीग न जाए। हालांकि त्रिपाल से ऊपर अपना बांधे हैं, फिर भी उसका ITI स्कूल का कोई सामान है जो कि उनको बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाना है। तो वाराणसी से करीब 160 किलोमीटर पहले पन्नी नामक स्थान है, ये ओवरब्रिज है। इसी पे आगे टर्न होकर आगे चढ़ के हमें जाना है वाराणसी धरी, लेकिन इसके नीचे हम लोग इस समय रुके हैं, भैया सो रहे हैं। यहाँ पे करीब 5:30 करीब आ गए थे हम लोग, बारिश हो रही थी इधर। सामने फिलहाल देख सकते हैं बारिश हुआ है और यहाँ पर काफ़ी गीला रोड है, इधर पानी लगा हुआ है ब्रिज के नीचे। ये रोड ऊपर रोड है, नीचे ब्रिज है। और इधर देखिए सामने ईंट पकड़ी है, तो वो गीला हो गया था ऊपर से, तो उसको लोग साफ सूफ करके अपना कंटिन्यू काम चालू किए हैं फिलहाल। रात में हम सो रहे थे, ऐसे जप्पी ले रहे थे, पता नहीं कि यहाँ पे ट्रक में ही चोट आ गई। ये देख सकते हैं दो जगह काला पड़ गया है, जलन हो रही थी, मैं देखा फिर तब ध्यान दिया है। यही होता है। खैर कोई बात नहीं, अब भैया जाएंगे तो यहाँ से जर्नी फिर आगे बढ़ेगी वाराणसी की तरफ। फाइनली दोस्तों हम अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, MP को बाय बाय बोल दिए हैं। दिन में करीब 12 बजे हैं, भाई साहब थोड़ा सा लेट जगे, दरअसल पूरा रात गाड़ी चलाए थे तो करीब 10:30 बजे करीब जगे, तो उसके बाद हम लोग चले थोड़ा सा चाय पीए। यहाँ पे पीछे ये महाराष्ट्र का यहाँ पे पीछे मध्य प्रदेश का चेक पोस्ट था। यहाँ पे ट्रक वालों से बहुत पैसा सब लूट रहे हैं, ऐसे एक्स्ट्रा पैसा देख रहे हैं और उनका टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे टाइम लगा, उसके बाद अब निकल के आ गए उत्तर प्रदेश में। अब कोई टेंशन नहीं, अपना UP जिंदाबाद। यार UP में घुसने के बाद और चीज चेंज, अपना रोड काफी अच्छा हो गया। उधर तो कपाड़ा था, उधर कपाड़ा है MP में। हाँ अपना रोड देखिए, यहाँ का रोड काफी अच्छा है यार, ये देखो अपना UP का सिस्टम अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। इस समय घाटी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग घाटी के बीचों बीच चल रहे हैं। रोड के दोनों तरफ खाई है और रोड ही एक ऊंचा है, दोनों तरफ खाई है, तो घाटी में चल रहे हैं। और काफी कोहरा इधर भी है, अभी तो कुछ साफ हो गया पेड़ की वजह से लग रहा है, नहीं तो काफी कोहरा इधर भी है यार। दिन में इधर काफी मौसम चेंज हो चुका है, महाराष्ट्र की अपेक्षा इधर काफी मौसम गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में कुछ हद तक गली मत आ रही, इधर UP में तो अपने ज्यादा दिक्कत लग रही है, आगे चलकर और ज्यादा हो सकता है देखने को मिलेगा। दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आगे एक बस वाले ने पता नहीं क्यों खड़ा कर दिया है, उसी के चलते पूरा जाम लगा है इधर भी और पीछे, और पीछे तक भी काफी लंबा जाम है। एक बस वाले के चलते अभी निकला साला, पता नहीं क्यों खड़ा कर दिया था यार। एक एक बेवकूफना लोग करते हैं, वो खड़ा कर दिया, करीब 20 मिनट से लोग घाट बजा रहे, नहीं जा रहा था, अभी निकला। भाई साहब बहुत गहरी खाई है यहाँ पे, बहुत गहरी खाई है, नीचे सीधा है, हल्का सा ऐसा है फिर एकदम सीधा है, बहुत गहरी खाई है यहाँ पे। और बंदर ने जाम किया था, उसके स्टीयरिंग पे बैठ गया था, हट ही नहीं रहा था बंदर, मेन प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे। बहुत गहरी खाई है भाई साहब, नीचे पूरा वाइट धुंध हुआ है, हल्का हल्का बहुत हमें माइनर दिख रहा है, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। फिलहाल दोस्तों हम बनारस पहुंच गए हैं और भैया यहाँ से चंदौली होकर गया बिहार को जाएंगे। इनकी हेल्प से हम सीधा सिवनी मध्य प्रदेश से यहाँ पे डायरेक्ट आ गए MP। अगर ये नहीं भी रहते तो शायद अभी तक उधर ही भटकते, कहाँ रहते, आज तक आते, कल तक आते, कुछ फिक्स नहीं रहा था। तो फिलहाल भाई का बहुत धन्यवाद, इनके सपोर्ट से आ गए। फिलहाल भाई साहब हमें छोड़ दिया और चले गए चंदौली के तरफ, चंदौली होकर बिहार को निकलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल बनारस हम पहुँच चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बनारस का क्राउड, काफ़ी क्राउड है। अब अंदर सिटी स्टार्ट होती है यहाँ की बनारस की। बनारस कहते हैं कि भारत की शुद्ध एकदम सनातन धर्म की नगरी है, यहाँ पे आपको शुद्ध सनातन धर्म देखना हो तो यहाँ पर आइए, आप बनारस घूमिए, देखिए गंगा जी की आरती देखिए, बहुत फेमस है। यहाँ पे टोटल 9 घाट हैं,
नाव बहुत फेमस है, कहीं बनारस आइए गंगा जी के नाव घाट घूमिए और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी देखिए। फिलहाल अभी हम तो कुछ नहीं घूमेंगे बनारस का, अभी डायरेक्ट घर हम चल रहे हैं, बाद में एक्सप्लोर करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप बनारस की धरती पे यानी बनारस में लिफ्ट लिया जाए आगे बढ़ने के लिए, क्राउड यहाँ पे है, यहाँ पर भी देखते हैं कोशिश करते हैं लिफ्ट मिलती है कि नहीं, लिफ्ट मिलनी चाहिए, देर सही सही लेकिन मिलनी चाहिए। हालांकि 4:30 टाइम हम सोच रहे हैं जितना जल्दी मिलेगी उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फिलहाल हमें बनारस में पहली लिफ्ट मिली है ऑटो में, ऑटो की मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं बनारस के रोडों पर। और यहाँ पे साइड साइड से इधर तो अभी ठीक लग रहा है, इधर कुछ सरकारी कॉलोनियाँ लग रही है, पीछे साइड साइड से घर तोड़ा जा रहा है रोड का चौड़ीकरण करने के लिए। इधर तो अभी नहीं, इधर तो ठीक है चौड़ा है, पीछे तोड़ा जा रहा था। खैर फिलहाल छोटी छोटी लिफ्ट मिल रही है उसके द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, एक भैया है लिफ्ट दिए इनके साथ आगे की जर्नी जारी है। और इस समय हम गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं, नीचे नीचे हमारे गंगा जी की धारा प्रवाहित है, आप देख सकते हैं गंगा जी हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत अच्छा। ये हमारी सनातन धर्म की सबसे प्राचीन संस्कृति आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी, आप कभी भी आए यहाँ पे तो गंगा जी की तट पर जरूर घूमें, यहाँ पे जरूर देखें। यहाँ पे नौ घाट है आप एक्सप्लोर करें, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी सुकून मिलेगा। इधर देखिए घाट, इधर कोई घाट है कि नहीं अभी भैया, ये कौन सा घाट है? नमो घाट सामने दोस्तों, इसके नीचे पुल के उधर नमो घाट है, भैया जी बता रहे हैं। इधर गंगा जी हैं और गंगा जी को इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं भैया जी के साथ। दोस्तों वाराणसी से छोटी छोटी लिफ्ट की मदद से हम वाराणसी सिटी से करीब 25 किलोमीटर दूर दानगंज में आ गए हैं इस समय। अब यहाँ से लिफ्ट लेकर हम आगे आजमगढ़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आजमगढ़ अभी 70 किलोमीटर है और आजमगढ़ से अभी 30 किलोमीटर मेरा घर है, यानी कि 100 किलोमीटर यहाँ से हमें अभी जर्नी करनी है। फिलहाल वाराणसी में आप कभी भी आएँ तो कुछ जगह हम सजेस्ट करना चाहेंगे, आप वहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो वाराणसी में आपको नौ घाट है वो देखिएगा, सनातन संस्कृति अपनी है वो देख सकते हैं आप वहाँ पर, और काशी विश्वनाथ शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है और इंटरनेशनल स्टेडियम भी बन रहा है वाराणसी में, वो भी आप देख सकते हैं। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी की धरती है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो कुछ मुख्य प्लेसेस रहे जो आप सजेस्ट किए हैं, तो फिलहाल चलिए हम यहाँ जर्नी कंटिन्यू करते हैं, आगे आगे मेरी तरफ लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की। वैसे अंधेरा होने वाला है, करीब 6 बज रहे हैं, इधर मौसम काफ़ी चेंज है महाराष्ट्र की अपेक्षा, उधर टी शर्ट में घूम ले रहे थे इधर हमें स्वेटर पहनना पड़ा, हालांकि बनारस में उतरने से पहले हम स्वेटर पहने हैं। दोस्तों जैसे वहाँ से आगे बढ़ रहा था रोड पर, हमें वहाँ पर लिफ्ट नहीं मिल रही थी, पैदल चल रहा था, सामने से सरकारी बस यानी रोडवेज बस आ रही थी, मैं उसका सहारा ले लिया, उससे हम डायरेक्ट आ गए आजमगढ़। उसका हमारा टिकट लगा 89 रुपये, जो कि 66 किलोमीटर आई लेकर आजमगढ़ तक। रात हो गई थी, अब इधर बहुत कम गाड़ियाँ चल रही थी, बहुत कम आ रही थी, तो लिफ्ट भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने रोडवेज बस का सहारा ले लिया, तो 89 में आ गए हम आजमगढ़। अब आजमगढ़ जैसे उतरे वैसे ही अहमदाबाद के लिए सोचे कि देखें क्या करें, तब तक रोडवेज बस जा रही थी, मैं कुछ नहीं सोचा था, रोडवेज बस में यहाँ पर भी बैठ गया। इसका भी टिकट 32 रुपये लगा है, आजमगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद को आना है, वहाँ से पास में मेरा गाँव है। तो फिलहाल मेरे एक भाई साहब आ गए हैं अहमदाबाद हमें रिसीव करने के लिए, तो हालांकि यहाँ से 10 किलोमीटर और बचा है अहमदाबाद को आना, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, फोर लेन है रोड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जाम नहीं है, तो जल्दी से पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल देखिए बस है, काफ़ी लोग बैठे हैं अपने सीट पे, जर्नी जारी है घर की तरफ की। दोस्तों फाइनली हम अहमदाबाद आ गए, यहाँ से 10 किलोमीटर अपना घर है, और ये देखिए हमारे भाई साहब है, इनका ग्रुप है, ये 3-4 लोग हैं, इधर एक भाई साहब हैं, ये देखिए बंदे हैं आर्मी मैन है, और हमारे भाई साहब यूपी पुलिस, उधर एक भाई साहब उनको तो हम नहीं पहचान रहे हैं, उधर सुनील भाई साहब हैं, अरे संदीप जी हैं, इधर दरोगा जी हैं, अच्छा दरोगा जी हैं, सुपर वाले दरोगा जी हैं, और ये हाँ ये प्रधान जी है, अग्रिम प्रधान जी है। तो अब ये लोग हमें बाइक दे दिए, ये लोग आएंगे अपना, हम अपने बाइक से निकल जा रहे हैं, ये लोग साथ में आएंगे तो हम बाइक से चलते हैं, काफ़ी दिनों के बाद बाइक चला रहे हैं। भाई साहब बहुत तगड़े वाली धुंध है, बहुत तगड़े वाली, बाइक आगे नहीं बढ़े, बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है, और जैसे इधर आए ठंडी बोलने लगी, स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्या स्वागत करना पड़ा ठंडी का, स्वेटर भी निकाल लिए, जैकेट निकाल लिए, कैप भी निकाल लिए,
महाराष्ट्र में जहाँ पे पसीने निकल रहे थे यहीं पे ठंड लग रही है पूरा। यहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, लग रहा है इनका नाइट कार्यक्रम रहा होगा। आज सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा के वजह से हो सकता है इनका नाइट कार्यक्रम था। यहीं पास में एक स्कूल है, उस पर ज़्यादातर नाइट में कार्यक्रम होता है, हमें लग रहा है वहीं से बच्चे आ रहे हैं। तो फिलहाल अब देखिए आगे बढ़े, धुंध तो आप लोग देख रहे होंगे सामने, ये देखिए आपको भी शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमारे पास की नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पास में ही हमारे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ऐसे बाइक चला रहे हैं, सोचिए बहुत धुंध है। फाइनली दोस्तों रात्रि के 9 बज रहे हैं और हम अपने घर पहुंच चुके हैं। आज टोटल जर्नी लगभग हमने 400 किलोमीटर की है। सुबह से जहाँ हम लोग चले हैं वहाँ से 260-265 किलोमीटर के करीब बनारस था, बनारस से 100 किलोमीटर करीब आजमगढ़, आजमगढ़ से 20 किलोमीटर करीब मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद से 10 किलोमीटर हमारा घर है। नियर अबाउट 400 किलोमीटर की आज जर्नी किए हैं। तो जिसमें बनारस से और मतलब बनारस से कुछ आगे से 69 रुपये का टिकट लगा है यहाँ आजमगढ़ का, आजमगढ़ से 32 रुपये का मोहम्मदाबाद का, यानी कि 120 रुपये करीब हमारा टिकट खर्च हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आराम से आ गए हैं। अब भाई साहब गए थे तो उनका पूरा ग्रुप है, भाई साहब गए थे मोहम्मदाबाद रिसीव करने तो उनका पूरा ग्रुप था, तो लोग अपना आराम से आएंगे, हम बाइक लेकर चले आए घर पे। पापा काम चल रहा है घर का, उधर सोए हैं। अम्मा देखिए यहाँ पे सोई हैं बाहर, देखिए अम्मा सोई हैं यहाँ पे, बड़े भैया अंदर सोए हैं घर में। अब सुबह को सभी लोगों से अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलाएंगे। ठंडी इधर बढ़ गई है, मौसम थोड़ा सा डाउन होने की वजह से बारिश हुई है, तो नहीं तो उधर तो महाराष्ट्र जहाँ हम लोग टी शर्ट में घूम रहे थे, यहाँ पे देखिए स्वेटर पहने हैं, जैकेट भी पहने, कैप लगाए तब घर आए हैं, इधर काफ़ी ठंडी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आई होप हमारी जर्नी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों आज सरस्वती पूजा है, 14 फरवरी है, आज के दिन सरस्वती पूजा है, तो आप सभी लोगों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और सरस्वती माँ आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान दे साथ साथ हमें भी दे। और कहते हैं कि आज 14 फरवरी है तो अब आज वैलेंटाइन डे लोगों का होता है, लोगों का वैलेंटाइन डे होता होगा, हमारा तो ब्लैक डे है। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में पुलवामा में 44 CRPF के जवान शहीद हुए थे, तो उन सभी जवानों को हमारी तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने यूट्यूब फैमिली की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आशा करते हैं कि हमारी सरकार कुछ ऐसा रूल बनाए, कुछ ऐसा कानून बताए, इतना उनको सुविधा मुहैया कराए कि आइंदा किसी की जान ना जाए, यानी कोई शहीद ना हो। तो चलिए दोस्तों हम अपनी जर्नी आज की यहीं पेंट करते हैं, चलते चलते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी।